हेलो गाइज, मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं करंट ऑनगोइंग आईपीओस के बारे में जो कि ओपन है, चाहे वो मेन लाइन के हो जैसे कि इंडिजिन आज ओपन हुआ है, इसका डे वन था, या फिर एसएमई कैटेगरी के जैसे स्लोन इंफोसिस्टम और विंसोल इंजीनियरिंग। हम इन तीनों का जो सब्सक्रिप्शन डिटेल है वो आपके साथ साझा करेंगे। साथ में हम ये जानेंगे किस आईपीओ में कितना पैसा डाला गया है, किस कैटेगरी से कितना पैसा आईपीओज में आया है। उसके साथ ही लेटेस्ट रे मार्केट प्रीमियम साझा करेंगे। कुछ के लेटेस्ट रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़े हैं और कुछ के कम भी हुए हैं, ठीक है, तो वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ ही जो अपकमिंग आईपीओ है मेन लाइन के, जैसे कि आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया या टीबीओ टेक, इनके लेटेस्ट रे मार्केट प्रीमियम भी आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। अपनी डिटेल गाइस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंडिजिन लिमिटेड आईपीओ से। एक चीज मैं आपको बता दूं इसके बारे में डिटेल स्टार्ट करने से पहले कि इंडिजिन, टीबीओ टेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस में अगर जो आप कंफ्यूज हो कि किसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, किसमें हम अप्लाई करें, अगर जो दो आईपीओ चूज करना है तो कौन सा करें और किसको इग्नोर कर दे, तीन चूज करना है तो तीनों सही है या नहीं है, तो हमने एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, सब कुछ बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देख लेना, साथ में वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस वापस आते हैं और इंडिजिन लिमिटेड की बात करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो आईपीओ 6th ऑफ मे को ओपन हो चुका है, यानी डे 1 इसका खत्म हो चुका है, 8th ऑफ मे को क्लोज होगा, 9th ऑफ मे को अलॉटमेंट और 13th ऑफ मे को लिस्टिंग डेट रहने वाली है। 452 का प्राइस बैंड है और 1841.76 करोड़ का साइज रखा गया है, जिसमें 35% का कोटा रिटेलर्स के लिए रखा गया है, ठीक है। गाइस सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें तो हमने न्यूज चैनल पे साझा कर दिया था, अगर जो आपने न्यूज चैनल ज्वाइन किया है तो आपको हर एक आईपीओ का सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, अपकमिंग आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट न्यूज, मार्केट की हर एक चीज मिल जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका 2 नंबर पे लिंक है और नंबर 1 पे इस चैनल का लिंक है, जहां देख लो आज के दिन एक शॉर्ट टर्म लेवल था सीडीएसएल का, बहुत ही शानदार गेन दिया और यहां देख सकते हो 160 पॉइंट का आज के साइडवेज मार्केट में पुट साइड, फिर हमने कॉल साइड भी बढ़िया गेन बुक किया, 490 पॉइंट का, 1400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गेन, यहां देख सकते हो स्टॉक्स के लेवल, यहां देख सकते हो 900 पॉइंट का, तो अपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे स्विंग कॉल, पोस्टल कॉल, इनमें से कुछ ना कुछ देने को मिल जाता है। साथ में आपको डेली इंडेक्स के लेवल, प्रॉपर सपोर्ट गाइडेंस के साथ काफी चीजें मिल जाती है। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, नंबर 1 पे ये चैनल, नंबर 2 पे न्यूज चैनल का लिंक है और नंबर 3 पे इंस्टाग्राम का। तो हम बात करते गाइस इंडिजिन आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन का, आपके सामने है यहां पे क्यूआईबीज ने 0.05 टाइम किया है। तो डे 1 पे अगर जो क्यूआईबीज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं क्यूआईबीज ने निराश किया है। डे 1 डिसाइड कभी नहीं करता है कि क्यूआईबीज या कोई इंटरेस्टेड है आईपीओ में, नहीं, बट फुली सब्सक्राइब हो गया ये एक अच्छी बात है, ठीक है। आप देखोगे तो क्यूआईबीज ने 0.05% ही डाला है, उसके बावजूद भी 17.69 करोड़ रुपीस डाल दिया है और क्यूआईबी सी कैटेगरी वाले ही जो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट होती है उसमें काफी अच्छा पैसा आया। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट अगर जो आपने इंडिजिन आईपीओ की नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, जाकर देखना, हमने बता रखा किस किस म्यूचुअल फंड ने, किस किस इंश्योरेंस कंपनी ने, किस किस फॉरेन कंपनी ने इंडिजिन में इन्वेस्ट किया है पहले से ही, ठीक है। एचएनआई की बात करें तो कलेक्टिवली 4.23 टाइम हुआ है, जिसके हिसाब से करीब 1160.53 करोड़ रुपीज आया है। अगर जो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर ही कैटेगरी देखें तो 4.24 टाइम हुआ है और अराउंड 775.65 करोड़ रुपीज आया है। 2 लाख से 10 लाख कैटेगरी में, जिसमें मोस्टली रिटेलर्स पैसा डालते हैं, इसमें 4.21 टाइम हुआ है और 384.88 करोड़ रुपीज आया है। बट रिटेलर्स की साइड से इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 1.54 टाइम इन्होंने किया है और 985.97 करोड़ डाल दिया डे 1 में। तो अगर जो आप ध्यान दो तो भाई रिटेलर्स ने सबसे ज्यादा पैसा डाला, क्योंकि जो 2 लाख से 10 लाख कैटेगरी होती है ना, इसमें भी और रिटेलर्स कैटेगरी में रिटेलर्स ही पैसा डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी में पैसा रिटेलर्स का आज के दिन डाला गया है, ठीक है। एम्प्लॉय की तरफ से 1.39 टाइम सब्सक्राइब हो गया है और इनके कोटे में अराउंड 18.61 करोड़ रुपीज डाला गया है, टोटल 2182.80 करोड़ रुपीज डाला गया। तो डे 1 के हिसाब से डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते और बहुत खराब नहीं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो 1800 करोड़ का आईपीओ डे 1 पे फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो एक पॉजिटिव साइन लेके चल सकते हो, ठीक है, इसको आप नेगेटिव कहीं से भी काउंट नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पे ग्रे मार्केट में थोड़ा सा स्लाइटली दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन वो नॉर्मल फ्लक्चुएशन है, इतना ऊपर नीचे होता है, ठीक है। जीएमपी डाउन हुआ है, 2-4 रुपए की बात होती है, 10 रुपए की बात होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो करंट में जो जीएमपी है 255 to 260 रुपीज के आसपास देने को मिल रहा है, ठीक है। जो हाई है वो 270 का है, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डाउन देने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत डाउन है और ये दोबारा बढ़ सकता है, ठीक है। और इतना तो देखो फ्लक्चुएशन ग्रे मार्केट में चलता है जिस आईपीओ की डिमांड अच्छी होती है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा
गिरावट देखने को नहीं मिला है, डाउन हुआ है बट कुछ खास नहीं है। और इसके हिसाब से देखें तो अभी भी अराउंड 56-57% अगेन बचता है। अब गाइस इस लिस्ट में जो अगला IPO है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस, जो कि 8th ऑफ मे को ओपन होगा, 10th ऑफ मे को क्लोज होने वाला है। इसका अभी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट नहीं आया, जैसे आएगा आपके साथ साझा कर देंगे। हालांकि डिटेल्ड वीडियो हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में जाके आप देख सकते हो। कंपैरिजन वाला वीडियो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही। इस IPO जो करंट में GMP गाइस वो हमें 50-55 रुपीज के आसपास देने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 60-70% अगेन होता है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो स्टेबल सी है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देने को मिल रहा है। TVO.com या TVO टेक की बात करें तो सेम डेट है, 8th ऑफ मे को ओपन होगा, 10th मे को क्लोज होने वाला है। करंट में इस IPO का जो GMP है वो हमें 535-540 के आसपास देने को मिल रहा है। थोड़ी सी डिमांड यहाँ पे बढ़ी है, जिसके हिसाब से अराउंड 58-59% अगेन होता है। अब गाइस यहाँ पे मेनलाइन IPOs जो करंट के थे वो होते हैं खत्म। SME कैटेगरी की बात करेंगे, इसमें पहला नाम है विनसॉल। विनसॉल का डिटेल रिव्यू अगर जब तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना, इसका भी डिटेल रिव्यू हमने डाल दिया। IPO का डे 1 था, 6th ऑफ मे को ओपन हुआ है, 9th ऑफ मे को क्लोज होने वाला है, ठीक है। विनसॉल का जो डिटेल रिव्यू है शानदार तरीके से सब कुछ बता रखा है। जब वीडियो रिकॉर्ड किया था 165% का GMP था, बट अभी विनसॉल का जो GMP है वो अराउंड 173% का हो चुका है, यानी कि 130 रुपीज तक जा चुका है इसका GMP, एक नया हाई है, ठीक है। तो विनसॉल का GMP बढ़ा है, TBO टेक का GMP बढ़ा है, ये दोनों के GMP बढ़ते दिखे हैं। अब यहां पे सब्सक्रिप्शन डेटा की बात करें तो QIB ने 1.13 टाइम किया है, जिसमें अराउंड 5.04 करोड़ रुपीज डाला है। HNI ने 22.55, जिसमें 75.23 करोड़ रुपीज डाला है। रिटेलर्स ने 52.94 टाइम किया है, जिसमें करीब 411 करोड़ रुपीज डाला है। टोटल 31.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें 491.27 करोड़ रुपीज डाला गया है। बात हो रही है विनसॉल IPO की, GMP मैंने आपके साथ अपडेट कर ही दिया। स्लोन इन्फो सिस्टम जो कि 3rd ऑफ मे को ओपन हुआ था, 7th क्लोज होने वाला है, यानी कि आज इसका डे 2 था। इसका जो सब्सक्रिप्शन डेटा है वो भी हमने न्यूज चैनल पे साझा कर दिया था, न्यूज चैनल पे आप जुड़े हो तो आपको पता चल ही गया होगा। यहां पे HNI ने 27.53 टाइम किया है, 144.41 करोड़ इसमें डाला गया है। रिटेलर्स ने 126.75 टाइम किया है और 666.51 करोड़ रुपीज डाला गया है। टोटल 77.27 टाइम होता दिखा है, अराउंड 811.59 करोड़ रुपीज डाला गया है। और जो साइज है इस IPO का वो आपको पता होना चाहिए, 1.06 करोड़ का है, यानी कि सिर्फ 11 करोड़ का है, ठीक है। अगर जो आपको चाहिए स्लोन का कंपैरिजन विनसॉल के साथ या डिटेल रिव्यू, मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा, ठीक है। स्लोन इन्फो सिस्टम का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम गाइस वो हमें अराउंड 68-70 रुपीज देने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से 88-89% अगेन अप्रॉक्सिमेटली होता है। इसके साथ ही हमारी सारी डिटेल होती है समाप्त। जो भी ऑनगोइंग IPOs थे इंपॉर्टेंट और अपकमिंग के जो IPOs थे वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। कुछ आपको लगता है डिटेल स्पेंडिंग है तो कमेंट में से पूछ सकते हो। जो भी वीडियोस आपको लगती है इंपॉर्टेंट है कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। साथ में वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाना और ढेर सारे कमेंट करना, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। मिलता है वीडियो में, करते हुए थैंक यू वॉचिंग।